भाई, हम लोगों ने एक्ट वन के बारे में बहुत सुना है और हम उस पीढ़ी से हैं जो जब तक दिल्ली आए तब तक एक्ट वन से जो लोग जुड़े थे वो वैसे नहीं रहे. एन के शर्मा भी और बाकी सब लोग भी, आप सब लोग मुंबई चले गए थे. ये जो नई पौध है इसको बताइए, वो था क्या असल में, ख्याल क्या था, प्ले किस तरह के होते थे, कल्चर क्या था, बातचीत क्या थी? ये मेरे ख्याल से दिल्ली में समय समय पे ऐसे ऐसी चीजें हुई है. अलग अलग थिएटर ग्रुप्स ऐसे बने हैं जिन लोगों ने अपने अपने एक एक शबाब पे वो आता था और बहुत अच्छा काम होता था, बहुत पैशनेटली काम होता था. तो एक्ट वन एक ऐसा ही थिएटर ग्रुप था जो जो 90s में 91 92 में जिसने काम करना शुरू किया था और बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे. अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के लोग थे, उसके अलावा अलग अलग मुख्यतः एक विचारधारा के लोग थे. और लेकिन लोकनाट्य करने का इरादा था. लोकनाट्य से इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको लोकनाट्य कहते हैं, नहीं, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ नाटक हो, पब्लिक के लिए किया हुआ नाटक हो, उस तरह का नाटक करने का इरादा था. और बहुत ही पैशनेटली एक 40-50 लोग एक साथ इस काम में कूदे थे. एक्ट वन की दिनचर्या यह हुआ करती थी कि सुबह 7 बजे या सुबह 6 बजे मंडी हाउस पे लोग मिला करते थे. फिजिकल एक्सरसाइजेस होती थी. इसमें किसी को पैसे मिलते नहीं थे, इसमें किसी के पैसे लगते नहीं थे. ये पूरी तरह से एक एमेच्योर मूवमेंट था. सुबह इकट्ठे होके लोग एक्सरसाइज करते थे, बॉडी मूवमेंट पे काम करते थे और उसके बाद में फिर वहीं मंडी हाउस में चाय वाय होती थी, नाश्ता वास्ता होता था, फिर सब लोग कुछ अपने अपने जगह चले जाते थे. उसके बाद दोबारा 3-4 बजे इकट्ठे होते थे. जो लोग वहाँ रह जाते थे वो साथ में खाना खाते थे और फिर 3-4 बजे से किस झोपड़ी में किसी एक नाटक पे काम शुरू होता था और फिर शाम के 6-7-8 बजे तक उस नाटक पे बहुत बहुत तगड़ा काम होता था. वो दौर ऐसा था कि नाटक लिखे भी खुद जाते थे इन हाउस ही, जैसे पीयूष मिश्रा थे वो राइटर थे, म्यूजिक भी वहीं बनता था, हम ही में से कोई मूवमेंट पे काम कराया करता था. और जो जो बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से एक 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 ग्रुप उस जमाने में चला करता था. और इतना अच्छा काम मेरे ख्याल से दिल्ली में कुछ उस 5-6 साल में एक्ट वन ने किया है और इतने सारे लोग एक्ट वन से निकले हैं उस वक्त के. मतलब मैं नाम लूं तो मेरे ख्याल से इतने सारे, मतलब आशीष विद्यार्थी, मनोज बाजपेयी, पीयूष मिश्रा, ये तो नाम हुए हुए, असीम बजाज कैमरामैन, सुजीत सरकार और ऐसे, अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, मतलब इस उस एक्ट वन की धारा से अलग अलग तरह से अलग अलग लोग आके जुड़ते थे और 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 बहुत बहुत ईमानदारी से, जिसको सबसे सबसे उसका की वर्ड है कि ईमानदारी से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे थे. ऐसा काम जिससे समाज में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी बदलाव हम कर सके. ऐसा लगता था उस समय पर कि समाज तो हम बदल देंगे, चुटकी में बदल देंगे, कल बदल देंगे, परसों बदल देंगे. और वो जज्बा था, उसकी वजह से मेरे ख्याल से उसी जज्बे के वजह से हम लोग आज वो काम कर पा रहे हैं जो भी काम हम कर पा रहे हैं. बहुत सारे एक्ट वन पे किताब लिखनी चाहिए, मैं लिखूंगा पक्का. आप अड्डे पे कॉल देके जा रहे हैं? अड्डे पे कॉल लेके जा रहा हूँ, मैं लिखूंगा. खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर. दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो.